हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अफोर्डेबल रेंज में, बहुत ही सस्ता रेंज में और बहुत ही बढ़िया मेकअप ब्रशेस सेट। तो मेरे पास सिर्फ दो रिक्वेस्ट आए थे, दो कमेंट्स आए थे और दो सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं मेकअप ब्रशेस पे वीडियो बनाऊं, और वो दो ही मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं क्योंकि मैंने जस्ट अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की है। तो मेरे लिए एक भी सब्सक्राइबर का कमेंट या डिमांड मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो स्पेशली जो मेरे दो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए और आप सबके लिए मैं मेकअप ब्रशेस सेट लेके आई हूँ अफोर्डेबल रेंज में। बहुत ही अच्छा मैं यूज़ कर रही हूँ इसे, और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि यू नो ब्रांड मैटर नहीं करता, प्रोडक्ट जितना बढ़िया हो, अगर मुझे कम रेंज में कोई प्रोडक्ट अच्छा मिल जा रहा है तो मैं क्यों ना परचेज करूँ, क्यों ना यूज़ करूँ। तो इसलिए मैं ब्रांड उतना मैटर नहीं करती, मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती हूँ। अगर मुझे प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा लगता है तो वो मेरे लिए बेस्ट है। तो आज मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप ब्रशेस। तो ये है मेरा मेकअप ब्रश का सेट, और ये कुछ इस तरीके की पाउच की पैकेजिंग में आई है, और ये है फूलजी ब्रांड जो मैंने परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से, क्योंकि मैं फ़्लिपकार्ट से बहुत ज़्यादा परचेज़ करती हूँ। और मैंने ये परचेज़ किया है फ़्लिपकार्ट से, और ये है फूलजी का मेकअप ब्रश सेट, और इसमें पूरे फेस एंड आई मेकअप पूरा सेट है। और एक एक करके मैं इसका यूज़ भी बताऊँगी कि कौन से मेकअप ब्रश का क्या यूज़ है, इसे कहाँ यूज़ करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये कुछ इस तरीके की इसमें डोरी होती है, इसको इस तरीके से खोलिए एंड 1, 2, 3 फोल्ड में होता है, और ये पूरा मेकअप ब्रश सेट है मेरा। इसमें से बहुत सारे ब्रश मैंने यूज़ भी कर लिए हैं और बहुत सारे ब्रश मेरे वैसे ही अभी तक रखे हुए हैं। तो आज मैं आपको इन सब का डिटेल में बताऊंगी कि कौन से ब्रश की कहाँ पे यूज़ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं, ये बिग फैन ब्रश है, ये है बिग फैन ब्रश, और इसमें ये वाला जो इसका कवर दिया है काफ़ी अच्छा है ताकि इसका जो शेप है वो बरकरार रहे, और इसका एक भी एक भी रेसा इधर उधर नहीं हुआ है, और ये बहुत दिनों से मेरे पास है, आप देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें है, यहाँ पे लिखा है ब्रांड, और ये है इसका ब्रश का नेम, जो ब्रश का नेम है। तो इससे ये होगा कि जो नहीं जानते हैं मेकअप ब्रश के बारे में उनके लिए भी काफ़ी इजी हो जाता है जानना कि ये कौन सा ब्रश है। पूरे ब्रश का नाम इस पर इंडिकेट इस पर मेंशन किया हुआ है कि कौन सा ब्रश का क्या नाम है। तो ये है फूलजी ब्रांड का, और ये है बिग फैन ब्रश। इससे आप हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो, नोज़ पे हाइलाइटर, फोरहेड, चिन, और आप इसे शार्प कंट्योर भी कर सकते हो अपने फेस पे। तो इसका ये मोस्टली यूज़ है, ये मल्टीपर्पज़ ब्रश होता है जिसमें आप अपने कंट्योरिंग कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो। आप नोज़ पे करो, यहाँ कंट्योरिंग करो, यहाँ कंट्योर करो, हाईलाइट अप्लाई करो, फोरहेड पे हाईलाइट अप करो। तो इसका मल्टीपर्पज़ यूज है। एक ब्रश ये बिग फैन है, तो आपको ज़्यादा अगर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा अप्लाई करना है तो इसका मोस्ट यूज़ होता है। तो ये मेरी बिग फैन ब्रश। अब सेकेंड बताती हूँ मैं आप लोगों को, आप देख रहे होंगे कि इस पर पाउडर लगा है क्योंकि मैंने ये यूज़ किया है और मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो ये है पाउडर ब्रश, आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छा है पकड़ने में, हैंडेड। इसका ये फाइबर है, ये वुडन नहीं है, ये प्लास्टिक है, और ये बहुत अच्छा है। इस पर भी मेंशन किया हुआ है फूलजी ब्रांड एंड पाउडर ब्रश, और इसको अगर आप मेकअप करते हो तो पूरे फेस को सेट करने के लिए जो पाउडर हम अप्लाई करते हैं, तो आप इसमें आप मेरी वीडियो में चेक कर सकते हो, मैं इसी ब्रश का यूज़ करती हूँ अपने मेकअप को करने में। तो ये यहाँ पे अगर पाउडर है या आईज़ के नीचे हो या पूरे फेस पे हो, नेक वगैरह, मैं इससे अप्लाई करती हूँ पाउडर ब्रश। तो ये बहुत ही अच्छा पाउडर ब्रश है, और ये देखो काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख सकते हो कि बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट है, और एक भी ब्रिसल्स नहीं निकलते हैं, बहुत अच्छा वाला है। मैं आपको बता नहीं सकती, इतने अफोर्डेबल रेंज में मुझे बहुत बेस्ट मेकअप ब्रशेस मिले हैं। तो ये पूरा सेट 24 पीस का सेट है, और वो भी 399 में बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मुझे मिला है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, और आप चाहे तो परचेज भी कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। और तीसरा है हमारा ये स्मॉल फैन ब्रश, जो कि ये फैन ब्रश का ही छोटा है, स्मॉल फैन ब्रश। तो इसको इस तरीके से मैं निकालती हूँ, तो इसको भी आप हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो, नोज़ पे, फोरहेड पे, चिन पे, अपर लिप्स पे, आप यहाँ पे भी अपने ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर सकते हो। ये स्मॉल फैन ब्रश है, तो ये भी मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है, ये भी बहुत अच्छा एप्लीकेटर ब्रश है। तो इसको आप पूरे फेस के मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हो। अब ये तीन मीडियम ब्रश हैं, जिसमें एक ये आ जाता है, ये है ब्लश ब्रश, और इस पर मेंशन भी किया हुआ है नीचे में
ये है ब्लश ब्रश, ब्लश अप्लाई करने के लिए ये ब्रश यूज़ करते हैं हम मोस्टली। मैं इससे ब्लश ही अप्लाई करती हूँ ये ब्रश से, आप मेरी वीडियो में देख भी सकते हो। और ये है एंगल फ्लफी ब्रश, देख सकते हैं ये एंगल फ्लफी ब्रश, इससे फेस कंट्यूरिंग के लिए, ब्रॉन्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसको। यू नो शार्प लाइन क्रिएट करना, कंट्योर करना, ब्रॉन्ज करना। मैं इस ब्रश का यूज़ अपने फेस को कंट्योर एंड ब्रॉन्ज करने में यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये एंगल्ड फ्लफी ब्रश है तो उसका यूज़ उसी में किया जाता है, ब्रॉन्जिंग एंड कंट्यूरिंग में। अब ये है फ्लफी फ्लैट ब्रश, तो इसका यूज़ हम फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए या फिर पाउडर, आई मीन अगर हम कंसीलर लगाते हैं या कंसीलर अप्लाई करो या फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद अगर हम पाउडर को ऐसे सेट करते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं इस ब्रश का। बट मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हैं इसमें मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं लगा है, क्योंकि एक और फ्लैट ब्रश है मैं उसका यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मेरा भी रखा हुआ है, पता नहीं मुझे ब्रश गंदा करने का मन नहीं करता। तो ये है उसके लिए, आप इससे फाउंडेशन एंड कंसीलर अप्लाई कर सकते हो। तो ये चार ब्रशेज हैं जिससे मैं, ये भी फ्लैट ब्रश है आप देख सकते हो, इससे आप अपने यू नो यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रहे हो या फिर क्रीज पे यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रहे हो उसके लिए ये ब्रश परफेक्ट है। क्योंकि आई मेकअप जब हम करते हैं तो उसमें सिर्फ एक या दो ब्रश से काम नहीं चलता, आई मेकअप करने में कम्प्लीटली हमको 8-10 ब्रशेज यूज हो जाते हैं। तो इस सेट में आई ब्रशेज इसलिए ज़्यादा देते हैं ताकि हम जब आई मेकअप करते हैं तो एक दो ब्रश से हमारा काम नहीं चलता और बहुत सारे ब्रशेज का यूज होता है। तो मोस्टली इसमें इसलिए इतने सारे ज़्यादा ब्रश दिया होता है ताकि हम अपने आई मेकअप करने के बाद अगर ये गंदा है तो फिर हमें दूसरा ब्रश चाहिए, तो इसलिए बहुत सारे ब्रशेज होते हैं ताकि हम उसको चेंज कर करके यूज़ कर सकें। तो मोस्टली आई मेकअप में एक ब्रश से काम नहीं चलता, इसलिए आई का पूरा सेट दिया होता है, 10-12 ब्रशेज तो यूज हो ही जाते हैं। तो ये भी आप आई मेकअप करने में यूज़ कर सकते हैं। ये भी है फ्लैट ब्रशेज, अगर हमें कोई ग्लिटर अप्लाई करना हो या फिर कोई आई शैडो, दो तीन आई शैडो पिक करते हैं तो आई शैडो है तो उसको ऐसे प्रेस करके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम इसे इसका यूज़ कट क्रीज बनाने में, कट क्रीज देने में भी यूज़ करते हैं। तो ये भी फ्लैट ब्रशेज हैं और इसके ब्रिसल्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रिसल्स हैं एंड सॉफ्ट भी है, थोड़ा टाइटनी में है, बहुत फ्लैट है इसका। मैं इसका यूज़ की हूँ और इसमें प्रोडक्ट भी लगा हुआ है, तो ये ब्रशेज भी बहुत अच्छे हैं। अगेन ये है एंगल्ड फ्लैट ब्रश, तो इसका यूज़ आप यू नो लोअर लैश लाइन पे प्रोडक्ट स्मज करने में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अपने आईब्रो को फिल करने में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप आई मेकअप का ये जो शेप होता है इसको भी अप्लाई करने में इसका यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लफ़ी एंगल ब्रश है तो आप इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। अब ये है आई शैडो ब्रश, तो इसका यूज़ ये देख सकते हैं, ये भी फ्लैट है तो इसका यूज़ भी हम मोस्टली आई शैडो अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम 2-3 आई शैडो यूज़ करते हैं आई मेकअप करने में। तो ये भी आई शैडो अप्लाई करने के लिए आई शैडो एप्लीकेटर ब्रश है ये, तो इसका यूज़ भी हम आई शैडो अप्लाई में करते हैं। इससे आई शैडो आप ब्लेंड भी कर सकते हो बट उतना अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, क्योंकि ये फ्लैट ब्रश है इसीलिए जस्ट हम आई शैडो को बस अप्लाई करने के लिए, ऐसे अप्लाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो अगेन ये एक एंगल्ड फ्लफी ब्रश है, तो इसका भी यूज़ हम आई शैडो अप्लाई करने के लिए ही करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मीडियम एंगल्ड ब्रश है ये मीडियम एंगल्ड ब्रश है। एक और अभी जो मैंने दिखाया वो एंगल ब्रश नहीं था, बट ये मीडियम एंगल ब्रश है। एक एंगल ब्रश था जिसे हम कंट्यूर अप्लाई करते थे और ये मीडियम एंगल ब्रश है जिससे हम अपना आई शैडो ही अप्लाई करते हैं, इसको आई मेकअप में ही यूज़ किया जाता है। आप चाहे तो इससे अपना अंडर आई के कंसीलर को भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो इससे अपना यहाँ का ब्रोबोन भी फिल कर सकते हो। ये भी मल्टीपर्पज़ एप्लीकेटर ब्रश है, तो आप इसका यूज़ काफ़ी और भी चीज़ अप्लाई करने में यूज़ कर सकते हैं आई शैडो अप्लाई करने के अलावा। तो ये भी बहुत अच्छा ब्रश है आपके फेस एंड आईज मेकअप के लिए, बट ये ज़्यादातर मैं आई मेकअप करने में ही यूज़ करती हूँ। अब हम आ जाते हैं, ये है एक स्मचर ब्रश, तो इससे मोस्टली जो ग्लिटर वाले आई शैडो होते हैं, ग्लिटरी आई शैडो जो होता है वो अप्लाई होता है इससे, आसानी से इसमें ग्लिटर चिपक जाता है और ये बहुत ही ईजिली आपके आई लिड पे भी अप्लाई हो जाता है। तो इससे मैं ज़्यादातर ग्लिटर आई शैडो अप्लाई करती हूँ। यह है लिप ब्रश,
इससे आप यू नो लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हो या फिर मैट लिपस्टिक भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये आपके पूरे लिप को शेप के साथ यूज़ करना होता है। और ये लिपस्टिक अप्लीकेटर के लिए बहुत अच्छा ब्रश है। आप देख सकते हो जैसे कि लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक, आप अगर कोई लिक्विड लिपस्टिक है तो उसका एप्लीकेटर भी इसी तरीके का होता है, थोड़ा लंबा, तो ये भी उसी तरीके का है, इसे आप लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो। अगेन ये है एक लाइनर ब्रश, इससे आप आईलाइनर अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादातर मैं आईलाइनर जो उसमें ब्रश होता है उसी से अप्लाई कर लेती हूँ, इसलिए मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, बट ये बहुत अच्छा एप्लीकेटर है। बहुत ही पतला दिया हुआ आईलाइनर ब्रश है ये आईलाइनर अप्लाई करने के लिए। ब्रश सेट में टोटल ब्रशेज हैं जो हमें एक मेकअप करने में, फेस एंड आई के लिए जितने भी ब्रशेज यूज होते हैं वो सारे ब्रशेज इस सेट में अवेलेबल है। 24 पीस का सेट है, 399 इसका प्राइस है, बहुत ही अफोर्डेबल है। फुलजी ब्रांड है जो कि काफ़ी हाई रेटेड ब्रांड है। और अगेन हम आते हैं, ये भी एक आईलाइनर ब्रश ही है। अगर हम कोई आईलाइनर अप्लाई करते हैं उसको स्मच करना है तो इसे भी हम अपना आईलाइनर ही अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई जेल आईलाइनर यूज़ कर रहे हो तो इससे, इस ब्रश से आप जेल आईलाइनर यूज़ कर सकते हो। अभी जो इससे पहले जो मैंने ब्रश दिखाया था उससे लिक्विड आईलाइनर यूज़ होता है और इससे आप जेल आईलाइनर यूज़ कर सकते हो, तो ये भी एक लाइनर ब्रश है। अगेन आते हैं, ये एक स्मचर ब्रश है, तो ये एक स्पॉन्ज एप्लीकेटर है, तो इसका यूज़ हम अगर यहाँ पे काजल लगाएं या फिर कोई आईलाइनर लगाएं उसको स्मच करने में इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऊपर में आईलाइनर लगा के स्मच करना है तो इस ब्रश का यूज़ करते हैं। ये एक स्पॉन्ज ब्रश है जिसका यूज़ बेसिकली आईलाइनर हो या आई शैडो नहीं आईलाइनर स्मच करने या फिर काजल स्मच करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक कंसीलर ब्रश है, इसका यूज़ हम अगर कोई कट क्रीज यहाँ पे कर रहे हैं आई मेकअप करने में, अगर हमें कट क्रीज करना है तो इस ब्रश का यूज़ करते हैं। बहुत ही फाइन ब्रश है ये आई मेकअप के लिए, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अच्छी ब्रिसल्स है इसके, बहुत ही थोड़ा सा टाइट है बट सॉफ्ट भी है और बहुत अच्छा एप्लीकेटर है। मैं जब परचेज़ कर रही थी इसकी रेटिंग देखी तब मुझे इसकी रेटिंग तो पसंद थी बट बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा मेकअप ब्रश इतने कम रेंज में तो नहीं मिलेगा। मैं सोच रही थी कि अगर ये मेरे पास जब आएगा तो बहुत हो सकता है मुझे रिटर्न करना पड़ सके, बट ये बहुत अच्छा ब्रश है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में, 399 में आपको क्या चाहिए। अगर आप कोई ब्रांडेड मेकअप ब्रश खरीदने जाते हो तो 399, 400, about 500 प्लस का एक ब्रश आता है, यू नो ब्लश ब्रश 300 प्लस रहता है, यू नो हाइलाइटर ब्रश 300-400 प्लस रहता है, यू नो फाउंडेशन ब्रश वो भी 500 से ऊपर के आते हैं, बट 399 में आपको टोटल 24 मेकअप ब्रशेस मिल जाते हैं, 24 पीस का सेट मिल जाता है आपको ओनली जस्ट 399। ये बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप ब्रशेज रेंज में मुझे मिला है, तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला परचेज करो एंड अपने आई फेस मेकअप कम्प्लीट करो। अब ये है एंगल आई शैडो ब्रश, तो इसका यूज़ भी हम अपना आईब्रो फिल करने के लिए, मैं अपने आईब्रो को लाइनिंग एंड फिलिंग करने के लिए इसका यूज़ करती हूँ। अगर मैं काजल अप्लाई करने के लिए भी इसका यूज़ करती हूँ। अगर मैं इस विंग क्रिएट करना है तो भी मैं इस ब्रश का यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही फाइन एंगल ब्रश है और ये थोड़ा टाइट है इसलिए बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। यू नो आईब्रो फिल, काजल एंड लाइनर, विंग एप्लीकेटर, बहुत अच्छा ब्रश है ये, तीनों पर्पज़ में मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। अगेन ये है एक स्मच ब्रश, बट मैं इसका यूज़ आई मेकअप में कर लेती हूँ, जैसे कंसीलर अप्लाई करना हो, आई शैडो अप्लाई करना हो या फिर यहाँ पे आई स्मच करना हो, तो इसके लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। यू नो आपको आई मेकअप पर्पज़ के लिए बहुत सारे ब्रशेज इसमें मिल जाते हैं। मैंने कहा ना कि हम आई मेकअप करने में सिर्फ एक या दो ब्रश का यूज़ नहीं कर सकते, हम बहुत सारे ब्रशेज का यूज़ करते हैं, तो इसमें इनफ क्वांटिटी में ब्रश दिया गया जिससे हम अपना आई मेकअप कम्प्लीटली कर सकते हैं। मैंने इसको अभी क्लीन नहीं किया, सॉरी इसके लिए, क्योंकि जस्ट मैंने यूज़ किया और रख दिया। मैं वीडियो बनाने से पहले इसको क्लीन नहीं कर पाई इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ, एक बार यूज़ करके अपने ब्रशेज क्लीन नहीं करती, मैं 2-3 बार यूज़ कर लेती हूँ उसके बाद अपने ब्रशेज क्लीन करती हूँ। तो ये क्लीन करने के बाद भी इसमें से एक भी ब्रशेज का ये नहीं निकलता है ब्रिशल्स, बहुत अच्छे ब्रशेज हैं। अगेन ये एंगल ब्रो ब्रश है, इससे भी आप अपने आईब्रो यू नो आईब्रो फिल कर सकते हो। अभी इससे पहले एक और एंगल ब्रश जो मैं आपको दिखाई थी वो इससे थोड़ा सा बड़ा था, तो वो मोस्टली मैं काजल वगैरह अप्लाई करती हूँ और ये थोड़ा सा छोटा है, तो ये आपके लिए फाइन हो जाता है आपके आईब्रो फिल करना एंड काजल। यहाँ पे ज़्यादातर इसका अच्छे से यूज होगा, यहाँ पे जो हम एंगल बनाते हैं यू नो फॉक्सी आई मेकअप करते हैं या फिर यू नो थोड़ा अट्रैक्टिव आई मेकअप करते हैं जिसमें हम यहाँ पे एंगल क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए परफेक्ट मेकअप ब्रश है और बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है इससे। ये है आई शैडो ब्रश, ये भी है आई शैडो ब्रश, ये शॉर्ट आई शैडो ब्रश है। सारे ब्रशेज पे यहाँ पे मेंशन किया रहता है, आप देख सकते हो सारे ब्रशेज पे यहाँ पे ब्रांड है फुलजी और कौन सा ब्रश है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा मेकअप ब्रशेज यूज़ करने में कि ये कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। आपको एक स्पूली भी मिल जाता है, ये लेस ब्रश है, इसका यूज़ हम
यू नो जैसे मस्कारा में दिया रहता है लेस ब्रश स्पूली, उसी टाइप का है। तो इसको आप अपने आईब्रो को फिल करने के बाद इसको ऐसे अप्लाई करोगे तो नेचुरल यू नो मिक्स मैच हो जाएगा आपका आईब्रो, आईब्रो में जो भी प्रोडक्ट लगे होंगे वो सबको अच्छे से मिक्स मैच कर देता है, ब्लेंड कर देता है, तो ऐसा नहीं लगता कि आपने कोई प्रोडक्ट अपने आईब्रो फिल करने में यूज़ किया। एंड फाइनल लास्ट ये एक आईब्रो ब्रश जिसमें आपको ये यू नो छोटा सा कॉम्ब मिल जाता है और इधर ये ब्रशेस मिल जाते हैं जिससे आप अपने आईब्रो को ऐसे ब्रश करके और इसको ऐसे कॉम कर दीजिए वो सेट हो जाता है। तो फाइनली आपको इस 24 पीस के मेकअप ब्रश में टोटल आपको ब्रश मिल जाता है जिससे आप अपने फेस एंड आई मेकअप दोनों कंप्लीट कर सकते हो। मुझे ये बहुत अच्छे ब्रशेस चेक लगे, ब्रांड है फुलजी, प्राइस है इसका 399 और 24 पीस है इसकी क्वांटिटी। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि इसका क्वालिटी कैसा है, अफोर्डेबल रेंज में बेस्ट क्वालिटी का मेकअप ब्रशेस लगा। मैंने अमेजोन पे भी ट्राई किया था बट इतने रेंज में मुझे अमेजोन पे नहीं दिखा कोई ढंग का मेकअप ब्रशेस। मैंने फ्लिपकार्ट पे ट्राई किया और इसका प्राइस मुझे 399 में मिला और ये बहुत अच्छा मेकअप ब्रशेस है। और इसके साथ आपको एक बैग भी मिल जाती है पाउच जिसमें आप अपने मेकअप ब्रशेस को स्टोर करके रख सकते हो, इसके अलग से इसके यू नो इसको रखने के लिए कोई बॉक्स या फिर कवर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये भी आपको ये वाला पाउच आपको मिल जाता है, लेदर का है जो काफ़ी फाइन लेदर है, बहुत अच्छा पाउच है। इसमें आप अपने सारे मेकअप ब्रशेस को स्टोर करके रख सकते हो क्लीन करने के बाद या मेकअप यूज़ करने के बाद। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि इसके साथ आपको एक अच्छा पाउच बैग मिल जाता है और आपको 24 पीस का मेकअप ब्रशेस सेट मिल जाता है। क्या यूजेज है मैंने आपको बताएं और आप मेरी वीडियो में देख सकते हो मैं इस ब्रश का यूज़ करती रहती हूँ। तो ये था मेरा मेकअप ब्रशेस का रिव्यू, अफोर्डेबल रेंज का मेकअप ब्रशेस। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम मनीषा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक भी कर देना अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो। और मैं मिलती हूँ आप सबसे एक और नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड लव यू एंड बाय बाय।